सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठाकुर एंटरटेनमेंट में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के कुछ रूमर्स और बैकसेट वीडियोस के बारे में। जी हाँ, अब देखो, स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म एक कोई आम फिल्म नहीं है जिसका कोई वेट ना कर रहा हो। ये एक इकलौती एमसीयू की फिल्म है जिसमें पहली बार मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जाना है। अब अगर रूमर्स की माने तो बात तो यही चल रही है कि इसमें मल्टीपल स्पाइडरमैन के अपीयरेंसेस होने वाले हैं लाइव एक्शन वर्जन में। अब देखो, मल्टीवर्स इतना खास इसीलिए बन गया है फैंस के लिए बिकॉज इसमें जो पुराने फ्रेंचाइजी के जो एक्ट्रेस है ना, वो भी इस फिल्म में शामिल होने की बात चल रही है उन लोगों से। तो अब देखो कैसा है, पता है, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि एक्चुअल में फिल्म दिसंबर में रिलीज़ होनी है तो उस हिसाब से ट्रेलर तो अब तक आ जाना चाहिए था। और बहुत सारे फैंस के मन में यही क्वेश्चंस हैं कि जब इतनी नज़दीक आ चुकी है फिल्म की रिलीज़ डेट, तो सोनी पिक्चर्स कोलम्बिया इस फिल्म के प्रमोशंस वगैरह कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, अब एक रूमर की माने तो सबसे पहले ट्रेलर की बात कर लेते हैं, बैकसेट वीडियो और रूमर्स की बाद में थोड़े टाइम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेलर की। तो देखो, बहुत टाइम से ये रूमर आ रही थी, इवन जब ये फिल्म की शूटिंग शुरू भी नहीं हुई थी ना, तब से ये रूमर है कि इसका फिल्म का ट्रेलर आ रहा है। तो उस बात हमें ये बात तो कन्फर्म थी कि जब तक लोकी का फिनाले नहीं ख़त्म हो जाता, यानी कि जब तक लोकी सीरीज़ एंड नहीं हो जाती, तब तक हमें कोई भी स्पाइडरमैन फिल्म का ट्रेलर देखने को नहीं मिलने वाला। या आने वाले एमसीयू के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो बाकी के स्टूडियोज़ के अंडर भी चल रहे हैं, उनके भी कोई भी टीज़र या फर्स्ट लुक के जो नए प्रोजेक्ट हैं उनके तो नहीं देखने को मिलेंगे। बिकॉज लोकी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी हैवीली इन्वॉल्व था, इस वजह से लोकी के फिनाले का एंड किया सबने। और अब देखो, जब लोकी सीरीज़ फाइनली एंड हो चुकी है तो उसका काफ़ी सेंस बनता है कि अब सोनी कोलम्बिया पिक्चर्स को इस फिल्म का ट्रेलर ड्रॉपआउट कर देना चाहिए। बिकॉज फैंस भी काफ़ी टाइम पहले से ही ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि इस फिल्म का ट्रेलर या टीज़र या फर्स्ट लुक कह लो आने वाला है। तो वेल, अब बात करें फिल्म के प्रमोशंस की। देखो, रिसेंटली ही स्पाइडरमैन के यूनिवर्स जो है, यानी कि सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर, उस यूनिवर्स के एक फिल्म का सेकेंड ट्रेलर आउट हो गया है, यानी कि जो सेकेंड ट्रेलर है वो रिलीज़ किया गया। नहीं, ये कोई स्पाइडरमैन की ही फिल्म है, बट ये स्पिन ऑफ फिल्म है जिसका नाम वेनम लेट देयर बी कार्नेज है। अब देखो, वेनम लेट देयर बी कार्नेज जो फिल्म है ना, वो हैवीली कनेक्टेड होगी स्पाइडरमैन नो वे होम से। अब मैं यहाँ इतने गारंटेड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ही यूनिवर्स का पार्ट है। और हाँ, जो एमसीयू में जो चल रहे हैं, जो तीन स्पाइडरमैन इस मूवी में दिखेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम में, तो वो सिर्फ उसी फिल्म के सर्कुलेशंस को लेके नहीं है, क्योंकि अब ऐसे रूमर्स जुड़ रहे हैं कि ये जो हमें नया ट्रेलर देखने को मिला है वेनम लेट देयर बी कार्नेज का, उसके नए ट्रेलर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करी कि देखो, वेनम लेट देयर बी कार्नेज स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के पहले रिलीज़ होने वाली है। तो इतना तो कन्फर्म्ड है कि पहले सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स वेनम लेट देयर बी कार्नेज का प्रॉपर प्रमोशंस करेंगी। तो अब देखो, उसके प्रमोशंस की बात करें तो उस फिल्म के भी प्रमोशंस चल रहे हैं, जिसमें से हमें फिल्म के दो ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल चुके हैं, जो कि काफ़ी में मतलब वाकई कमाल के हैं और फैंस के एक्सपेक्टेशन लेवल को कम्प्लीट भी करते हैं। तो जब तक वेनम लेट देयर बी कार्नेज की पूरी तरीके से मतलब फिल्म कंप्लीट नहीं करी जाती, जब तक उसको ऑफिशियली थिएटर्स में रिलीज़ नहीं किया जाता, तब तक मेरे अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन नो वे होम का फैंस को कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता। अब देखो, ये भी मेरी एक सर्कुलेशन ही है, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो बातों को बस एज एन रूमर ही लो। तो बात करें कुछ हॉलीवुड के अपडेट्स की, यानी कि जो कुछ वेबसाइट्स हैं जो ये दावा कर रही हैं कि जो दावा कर रही थी कि जो स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का जो टीज़र या ट्रेलर जो भी होगा, ये फर्स्ट लुक, वो एक्चुअल में ब्लैक विडो फिल्म के साथ अटैच किया जाएगा। तो वेल, देखो, ये भी एक रूमर आई थी जो कि डैनियल नाम के शख्स से निकल कर आई थी। अब देखो, ये जो डैनियल है ना, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से ही एक्चुअल में हॉलीवुड इंडस्ट्री के ये जो इनसाइडर्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं ये, और कुछ कुछ
सोर्स तो इतने तगड़े होते हैं कि वो खुद डायरेक्टली स्टूडियो के इनसाइड से निकल कर आते हैं, यानी कि स्टूडियोज के अंदर से वो खबरें निकल कर आती हैं। तो डैनियल भी उन्हीं शख्स में से एक है, तो इन्होंने ब्लैक विडो की फिल्म के साथ ऐसा कंज्यूम किया था कि इस फिल्म का टीजर या ट्रेलर ब्लैक विडो फिल्म के साथ सीधा थिएटर्स में देखने को मिलेगा, वो भी अटैच्ड फिल्म के साथ अटैच करवा के। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ब्लैक विडो फिल्म रिलीज़ हो गई, बट अभी तक फैंस को उसका रिलीजिंग डेट के टाइम पर ही सब लोग सोच रहे थे कि हाँ शायद हो सकता है स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का ट्रेलर अटैच किया जाए, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। तो अब देखो, अभी डैनियल की बात माने तो डैनियल के अकॉर्डिंग भी काफ़ी सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में ना काफ़ी सारी फिल्मों को लेकर काफ़ी प्लानिंग चल रही है जो कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ही सेट होते हैं। तो जब तक वेनम लेदर भी कार्नेज का पूरी तरीके से प्रमोशन नहीं खत्म हो जाता तब तक शायद ही हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा। अब इतनी बात तो मैं गारंटीड समझ सकता हूँ कि हाँ कि सोनी यूनिवर्स जो अपनी बाकी की जो फिल्में हैं ना उनकी भी प्रमोशंस काफ़ी ज़्यादा सही हिसाब से करेगा। रही बात स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के, तो देखो प्रमोशंस मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को शायद किसी भी चीज़ की प्रमोशन की ज़रूरत है क्योंकि फैंस का एक्सेप्टेशन काफ़ी हायर लेवल पर सेट हो चुका है और फैंस पूरी तरीके से रेडी हैं इस फिल्म को देखने के लिए। मतलब अगर आप इसमें टोबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का बस एक स्क्रीन पे एक साथ नाम भी लिख दो ना तो भी फैंस दौड़े दौड़े चले जाएंगे इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए, बिकॉज ये तीनों ही एक्टर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो बात करें अभी मल्टीवर्स की, तो भाई देखो मुझे तो नहीं पता कि इस फिल्म में मल्टीवर्स देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन हाँ इतना तो श्योर है कि जो फिल्म के जो बैक सेट फोटोज़ बता रहे हैं ना उनसे तो मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी सारे मार्वल के कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो बात करते हैं बैक सेट वीडियोज़ की। तो देखो जब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है ना तब से बैक सेट वीडियो में हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो इसमें ऑफकोर्स पीटर एक मिशन पे निकला हुआ है जो कि पुराना मिशन है जो कि वो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड फिल्म से ही लगा हुआ है। अब देखो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के एंड में जो मिस्टीरियो ने जो किया और जो जे जोना जेमिसन ने फाइनली जो न्यूज़ अपडेट करी है अपने डेली वीगल चैनल पे, तो उससे तो यही पता चलता है कि स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड में आ गया है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस फिल्म के अंदर हमें नज़र आने वाले हैं जो कि पीटर पार्कर की मदद करेंगे। अब देखो जब डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे हैवीली कैरेक्टर का नाम इन्वॉल्व किया जाए फिल्म में तो ऑफकोर्स फिल्म की एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होगी ही, और इवन हमें बैक सेट वीडियोज़ में डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एक लुक सामने निकल कर आया जो कि सेंट्रम सेंटोरियम का निकल कर आया है, और वहीं पर पीटर पार्कर, मैरी जेन और एक फ्रेंड की तस्वीरें जो इमेज क्लियरली देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, तो नेड लीड्स का जो कैरेक्टर है वो भी हमें नज़र आ रहा है। बट अब यहाँ पे एक्चुअली में तीन मौसमों के मतलब तीन सीजन दिखाए जाने वाले हैं फिल्म के अंदर, तो जिसमें हमें बैक सेट वीडियो में एक अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर पीटर और मैरी जेन का जो रिलेशनशिप होगा ना वो कुछ खास अच्छा नहीं होगा। फिल्म के एंड में जब ये सब कुछ मैस जो फैलाया हुआ है सब जब ठीक हो जाएगा उसके बाद जाकर पीटर एमजे से मिलने आएगा कहीं पे कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे स्नो गिर रही है, यानी कि बैक सेट वीडियोज़ में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये फिल्म का एंड हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं स्टोरी की कोई कंफर्मेशन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इतना तो है कि फिल्म काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है अकॉर्डिंग टू सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स। अब देखो ये सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की आखिरी फिल्म तो होने नहीं वाली है, इसके बाद भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। रिसेंटली ही हमें ये बताया गया कि क्रेविंग द हंटर के फिल्म पे भी इनिशियल स्टेज पे काम किया जा रहा है, तो हाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये सोनी यूनिवर्स। तो अब बात करते हैं बैक सेट वीडियोज़ की सेट के फ़ोटोज़ की। तो अब देखो जहाँ इस फिल्म की शूटिंग चल रही है ना वहाँ मतलब अभी फिल्म के रीशूट चल रहे हैं, मतलब फिल्म के रीशूट्स भी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं और तब जाके ये बैक सेट फ़ोटोज़ वगैरह आ रहे हैं। तो और इस बात का सेंस भी बनता है क्योंकि अभी तक फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है पूरी तरीके से। तो बात करें बैक सेट फ़ोटोज़ की, तो हमें देखो सैम रेमी ट्रिलॉजी मतलब वहाँ पे ना सैम रेमी के जो ट्रिलॉजी में एक एक्ट्रेस थी क्रिस्टिन डंट जिन्होंने मैरी जेन का रोल प्ले किया था, तो वो भी इसी ही फिल्म के लोकेशन के आसपास स्पॉट करी गई है। अब और एक एक्टर हैं जो कि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज़ में हमें नज़र आई थी और वो एक्चुअल में डेयरडेविल की एक लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती हैं, और वो एक्ट्रेस भी हमें क्रिस्टन डंट के साथ ही स्पॉट करी गई। अब यहाँ पे कोई दूसरी फिल्म की शूटिंग भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए करवाया गया हूँ,
अब यहाँ तक तो बात इतना ही बताती है, बट अब जो मैं आपको बताऊँगा उसके बाद शायद आप थोड़े शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि वो जो दूसरी एक्ट्रेस हैं जो कि डेयरडेविल सीरीज़ में हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी थी, तो उनके लुक से रिलेटेड भी कुछ सामने निकल कर आया है। तो उन्होंने अपने बालों को पूरा डाई करवाया हुआ है, वो भी रेड कलर के थीम पर। यानी कि अब ये जो नेटफ्लिक्स की अगर आप डेयरडेविल देखोगे तो उसमें भी आपका सेम सिमिलर लुक देखने को मिलेगा। तो हाँ, कुछ तो हो सकता है। अब मैं यार ये नहीं कहूँगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए ही वो करवा रहे होंगे, बट कुछ चल रहा है और फिल्म के लोकेशन के आसपास चल रहा है, तो फिर शक बहुत तगड़े हो जाते हैं। तो वेल, तो ये वीडियो में हमने बात करी कि कैसे स्पाइडरमैन नो वे होम के सर्कुलेशन ट्रेलर और बैकसीट इमेजेस के बारे में। तो अब आप सबकी राय क्या है इस वीडियो को लेकर, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके पहले हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाए हुए हैं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म को लेकर, तो आप उनको भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।